लाज नाए तो कुवारी है, सबसे मार उतार शर्म नाए तो कुवारी है। अरे रानी सबसे मार उतार शर्म नाए तो कुवारी है, रानी सबसे मार उतार शर्म नाए तो कुवारी है। ओरी छोरी नकुआ नकुता जाके सिंगार अवतार सब रे, अगर सिंगार ना उतरो तो ध्यान कर लियो तू ना बचेगी आज। अरे रानी सब शरम नाए तो भी आई है, रानी सब सिंगार उतार शरम ना तो भुआई है। अरे रानी गले को हरवा उतार के प्यारी तो समय जा रही है, रानी गले को हरवा उतार छोरी उतारिया के सबड़े सिंगारे बड़ी सच्ची दरबार की। अरे जल्ला दो एक बात बताओ महाराज। हाँ जब सिंगारे उतरवारे हो तो तुमका मर गये हो यो कुआ जा। ओ छोरा कलुआ एक बात बता, मैं कब तक किल्ला रहूं और कब तक चीख रहूं तो नेक भी शर्म ना आ रही है। अरे बड़े भैया तो ले वाला हूँ मेरे का अकेले के। एक बात बताइए, काम बतलाइए क्या काम है तुम्हें? नहीं मालूम, मालूम होती तो महाराज तुम्हें क्यों पूछते? देखिए तुम बियाबान बन के लिए चले जाओ, बियाबान बन के लिए। हाँ। और हमारी रानी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया डाल लो। महाराज ऐसी कौन सी आप हटाई गई है? मंडू भाई अपना आग के जागरण में ना एक बात बता महाराज। देखो बड़ो भैया सही धरनाते का। अरे बड़े भैया, बड़े भैया ही पे पेल ले हो महाराज। जितना काम हो मैंने तुम्हें बताया है उतना क्यों नहीं करते हो? सवाल है क्या? मैं तो करवे को तैयार हूँ। क्या तो चाहे सवेर तो शांत करवाते रहो। कहा काम क्या कहने जी मारू? अब मैं तैयार हूँ जब भास्कर मैं तो तैयार हूँ राजा साहब, वो तो जल्दी दो हथगड़ी काम मैं तो डार कभी ले जाऊंगा। जाइए और बियाबान जंगल में ले जा करके दोनों नेत्र निकाल के लेके आने तुम्हें। महाराज कौन के लाऊं नेत्र निकाल के? रानी के। चो महाराज एक बात बताओ, अब रानी तुम्हें सही ना लग रही? बुढ़ापो आ गया ना रानी पे। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हमारे घर में क्या बीत रहा है? क्या बीत रहा है? हमारी रानी ने हमारी और जड़ से नाक कटवा दी है। सत्य बात कटवा दी तो प्लास्टिक की लगा लो। और ये 20 रुपए और प्लास्टिक की लगाओ तो लोहे की लगा लो। और ये 20 रुपए मोहिनी और नकुल भैया ये जो जल्लाद पिट रहे हैं इन्हें दूध पीवे के लिए दे रहे हैं मालिक साहब, ये देते हैं 20 रुपया और पंजो राखेगी दुर्गे भैया। महाराज हाँ बियाबान जंगल में ले जाऊं? जल्दी जाओ, अगर नेक भी देरी करी तो सोच लेना तो मैं जन बच्चा को खोलू मैं। हे अगर पथरी है महाराज। हाँ मेरी बात सुन लो। बोलो अब ले कैसे जाऊं रानी? या तो दे दियो कोड़ा से, यही ते लगाओगे हथकड़ी? और का यही ते तो लगाऊंगा। ओए तेरी कहां भैया? भैया को दे दो भैया को। ये दिल्ली वाली ये दे, जल्दी आइए और ले दो। बोलिए सच्चे दरबार की। नेत्र नहीं निकाल के लाए तो जल्ला दो, टंटिया भेज दूंगा तुम्हारी। ना ना मैं निकाल लाऊंगा, एक है तो जरूर ही ले आऊंगा। के तमे कुआए तमे खाई और बीच में मौत जल्लाद की आई तो मेहरबानो। उस समय राजा केवल के कहने से और जल्लाद रानी मोहिनी को बियाबान जंगल में ले जाते हैं। राजा केवल कहने लगे कि इस रानी के दोनों नेत्र लाने हैं निकाल के।
लेकिन रानी मोहन देखो वरदान लगा हुआ था माँ दुर्गे से कि माँ जब भी तुझे पुकारूं तुझे दर्शन देने होंगे। तो उस में जल्लाद रानी मोहन देव को लेकर के और कैसे बियाबान जंगल में जाते, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। नमस्कार स्वीकार हो। अरे जल्लाद भैया कहिए रानी, आज क्या बात है जो कि तुम मेरे पास चले आए हो, क्या कारण है? रानी साहब कहिए। ये बात बताने की नहीं है। क्यों? हमें दरबार से हुक्म मिला है कि आपको बियाबान जंगल में छोड़ के आना है। क्या कह रहे हैं भैया? मुझे बियाबान जंगल में, हाँ यहाँ तुम्हारा जोरी बिन बदरा के कैसी पड़ेगा ए का हुक्म है। अब महलों में आपका रहना अशुभ है। दाना पानी से महलों से उठ गया। अरे आगे आगे खालू जाके पीछे पतरानी, अरे आगे आगे आके कालू जावे पीछे पतरानी जी, अरे आगे आगे कालू जाके पीछे पतरानी पीछे पतरानी, छोड़ चली अपनी राजधानी, अरे छोड़ चली अपनी राजधानी, अरे छोड़ चली अपनी राजधानी, अरे छोड़ चली अपनी राजधानी। मैया में गंगा तो मेरे प्रेमी भक्तों, भैया उस समय रानी मोहन देव को अब मुझसे नहीं चला जा रहा। जब जल्लाद बियाबान जंगल में ले जाते हैं उधर में रानी मोहन देव माँ दुर्गे का ध्यान रखती है। माँ दुर्गे से उसने कही थी कि हे माँ जब भी मेरे पे संकट पड़े मैं तेरा नाम लूंगी और तुझे दर्शन अवश्य देने होंगे। तो उधर में माँ दुर्गे मेरी अरे ऊंचे माठवा